दोस्तों, राउरकेला सुंदर पहाड़ियों और नदियों के बीच ओडिशा के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। ओडिशा की जातीय जनजातीय विरासत को उजागर करते हुए राउरकेला पर्यटन राज्य की विविध संस्कृति में बसंत की छुट्टियों, पिकनिक, खरीदारी और सजावट के लिए एकदम सही है। ओडिशा का एक खूबसूरत शहर अपने सुंदर और मानव निर्मित चमत्कार के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। राउरकेला में देखने के लिए बहुत कुछ है और करने के लिए बहुत कुछ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर आता है बिरसा मुंडा अंतर्जातीय हॉकी स्टेडियम। भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर बने ये शानदार स्टेडियम 21,000 दर्शक एक साथ बैठने की क्षमता के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। फिलहाल अभी हॉकी विश्व कप ओडिशा में आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में आप राउरकेला परिदर्शन में आते हैं तो एक मैच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में मजा ले सकते हैं। नंबर दो पर आता है इंदिरा गांधी पार्क। 42 एकड़ भूमि में फैला इंदिरा गांधी पार्क राउरकेला शहर में स्थित है, जिसमें अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हरे भरे घास के मैदान है। ये परिवार खासकर बच्चों के साथ समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। एक छोटे चिड़ियाघर, मछली घर, झील और एक गुड़िया संग्रहालय से घिरा हुआ है। बगीचे में लॉन और एक संगीतमय फवारे के साथ फूलों की प्रजातियों की विभिन्न किस्में शामिल है। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के बर्ड्स, हिरण, कालीबियर, मोर और मगरमच्छ और कुछ जानवर शामिल है। ये छोटा है लेकिन खूबसूरती से नियोजित चिड़ियाघर बच्चों को आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। इसमें छोटे बच्चे के लिए एक टॉय ट्रेन भी है जो बच्चों को पूरे चिड़ियाघर का आकर्षण भ्रमण कराती है। नंबर तीन पर आता है वेदव्यास। वेदव्यास में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस खूबसूरत स्थान का महत्व तीर्थ के रूप में है। ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर कोयल, शंख और सरस्वती नदी का पानी आपस में आकर मिलता है। इस कारण इस स्थान को त्रिधारा संगम के नाम से भी जाना जाता है। राउरकेला से 9 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। शिक्षा का गुरुकुल और वैदिक आश्रम व्यवस्था इस स्थान की खासियत है। पौराणिक कथाओं के माने तो महान महर्षि व्यासदेव ने इसी स्थान पर महाभारत की रचना की थी। इससे पर्यटकों के बीच इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस जगह को घूमने के दौरान आप व्यास गुम्फा का भी भ्रमण कर सकते हैं। गुम्फा तक पहुंचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पूरे साल के दौरान कभी भी वेदव्यास का भ्रमण किया जा सकता है। नंबर चार पर है हनुमान जी को समर्पित हनुमान वाटिका, एक खूबसूरत मंदिर है। मंदिर का गार्डन करीब 13 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। मंदिर की खासियत यहाँ के हनुमान जी की प्रतिमा है, जो कि एशिया में सबसे बड़ी है। श्री लक्ष्मण स्वामी द्वारा बनवाई गई इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 75 फीट है। इसके अलावा गार्डन में एक विशाल खूबसूरत मंदिर परिसर भी है। साथ ही गार्डन में बाट मंगला मंदिर, सालला मंदिर, विनायक मंदिर आदि दूसरे तीर्थ स्थल भी है। गार्डन का वातावरण काफ़ी निर्मल है, जिसे बड़ी संख्या में पर्यटक इसकी ओर खींचे चले आते हैं। मंदिर परिसर में कई त्यौहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें शिवरात्रि और रथ यात्रा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। नंबर पाँच पर आता है माँ वैष्णो देवी मंदिर। राउरकेला का एक प्रसिद्ध मंदिर है। देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी को समर्पित ये मंदिर एक खूबसूरत पहाड़ी पर बना हुआ है। इन देवी की मूर्तियों को सन 2000 में पहाड़ी पर पाया गया था और मंदिर का निर्माण कार्य 2003 के अंत में पूरा किया गया था, और साथ ही पूजा के लिए मंदिर के अंदर इन मूर्तियों को रखा गया था। इस मंदिर को जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के प्रतिरूप के तौर पर बनाया गया है। माँ वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि का त्यौहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है। नंबर छः पर है मंदिरा डैम। राउरकेला के पर्यटन स्थल में मंदिरा डैम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये डैम जिस जगह पर बना वह बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यहीं पर शंख नदी शंख घाटियों में प्रवेश करती है। साथ ही पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस जगह की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सा जलाशय भी है, जिसका इस्तेमाल मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। अगर आप चाहें तो जलाशय में बोट राइड का भी आनंद उठा सकते हैं। साथ ही आप यहां फिशिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर सात पर जगन्नाथ मंदिर राउरकेला के सबसे चर्चित मंदिरों में से एक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भी पूजा होती है। उत्कृष्ट संरचना और वास्तुकला वाले इस 90 फीट ऊंचे मंदिर को 1975 में बनवाया गया था। वही मामले में ये मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करता है। इस मंदिर में पूरे साल त्योहार और उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। ये
इन त्योहारों में काफी बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इस मंदिर में पूरे साल पर्यटक और श्रद्धालु आते रहते हैं। नंबर 8 पर है राउरकेला शहर से 22 किलोमीटर दूर पितामहल डैम बलोंडा गांव के पास स्थित है। राउरकेला के प्रमुख पिकनिक स्थलों में पितामहल डैम का भी प्रमुख स्थान है। बांध के पास देखभाल के लिए एक बंगला है जिसका रख रखाव सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में डैम का ठंड मौसम और आसपास का खूबसूरत नज़ारा आपको सुकून पहुंचाएगा। नंबर 9 पर आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। राउरकेला का एक खूबसूरत मंदिर है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित ये मंदिर राउरकेला का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। एक छोटी पहाड़ी पर बने होने के कारण इसका निर्माण शानदार है। मंदिर के आसपास का वातावरण काफ़ी शांत और निर्मल है और हिंदुओं के बीच ये धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास का वातावरण भी अद्भुत है। नंबर 10 पर रानी सती मंदिर राउरकेला से 35 किलोमीटर दूर वीरमित्रपुर नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को भारत के दूसरे झुनझुन धाम के रूप में भी जाना जाता है। सफेद संगमरमर से बने मंदिर की खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में चित्रकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। मंदिर की चोटी पर सुनहरे रंग का मटका रखा हुआ है जिसे इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। मंदिर के परिसर में दो शानदार फूलों के बगीचे हैं। इनमें से एक में भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा लगी हुई है। ये मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है।